दोस्तों, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जो कि थे पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, एमओएस, बीपी, ये सब निकालना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिसिंग है तो किस तरीके से हम बीपी, पीवी रेशियो या प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर। सो गाइस, कल हमने फॉर्मूले पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या उनके बेस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक एक मार्क्स में या दो दो मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, इसको स्किप करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं। सो डोंट स्किप एंड पूरी वीडियो देखिए, अच्छे समझिए किस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए जाते हैं और काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, अपने जो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, मैं वो ले रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वो एक्चुअली है क्या। देखिए, कभी भी सेल्स ओके एंड वेरिएबल राइट, बात की जाए कि फिजिकल वॉल्यूम की, मैं क्या बात कर रहा हूँ, फिजिकल वॉल्यूम जो है हमारा सेल्स का, उसमें अगर कुछ वेरिएशंस होते हैं यानी कि चेंजेस होते हैं, देन आपका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, अफेक्ट कर जाएगी। ओके, अगर हमारा सेल्स जो है वो इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज होगी। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ राइट, अगर वॉल्यूम में जो है ये इंक्रीज होता है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है जो कॉस्ट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा राइट। एंड और फिर क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी अफेक्ट कर जाएगा। ओके गाइस, सो देखिए क्या होता है कि सेल्स हमारी 20% से इंक्रीज हो रही है। लेट्स से सेल्स हमारी कितनी है, वॉल्यूम है इसका 1 लाख ओके, एंड इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू की बात की जाए तो वो भी 1 लाख है। इट मींस पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, ₹1 ओके। नाउ आई एम सेइंग दैट 20% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम विच इज 1 लाख, तो 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 लाख ओके, 1,20,000 राइट। सो नाउ द वैल्यू इज ऑब्वियसली मल्टीप्लाई 1, यू विल गेट 120 ओके। सो दिस इज योर सेल्स। एंड अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए तो किस तरीके से निकालते हैं हम, सो एज वी नो डैट कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो नाउ द वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो देयर विच इज 40,000 करेक्ट, 40,000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल्स में कुछ वेरिएशन होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट 20% से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 40,000 का 20% होता है 8,000 ओके। नाउ द वेरिएबल कॉस्ट इज 48,000 ओके। तो देखिए सेल्स आ चुकी है, आपको क्या करना है, सिंपली 48,000 को माइनस कर देना है, यू विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 72,000 That's it. Okay. अब आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल है, पीवी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है, ठीक है, आपको BES निकालना हो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो वो भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन लिया है आपके ही मॉड्यूल का, यस राइट, CMA मॉड्यूल का। सो गाइज, आई होप आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल गया किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ पीवी रेशियो की ओके। मैं इन्फॉर्मेशन पर लिख ही देता हूँ, यहाँ पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, सेल्स है हमारी 1 लाख ओके, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 40,000 एंड द फिक्स कॉस्ट इज 50,000 ओके, 50,000। सो नाउ द नेक्स्ट क्या कहा गया, 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, तो सेम है, वहां पर आपने इंक्रीज किया था, यहां पर आप डिक्रीज करेंगे, यस, क्या वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा इफेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, कितने से, 8,000 से राइट। तो 40,000 था वो हो जाएगा 32,000। अगर बात की जाए
कि अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 लाख का 20% होता है 20,000, तो अब जो हो जाएगा हमारा सेल्स क्या हो जाएगा, वो 80,000 का हो जाएगा। 80,000 माइनस 32,000, देन यू विल गेट दी 48,000 विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट कर देना है। नाउ टर्न टू दी नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ पीवी रेशियो की, सो पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो फर्स्ट वाले के क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला जो बेस था हमारा, अगर मैं वो लेकर चलूँ तो कॉन्ट्रीब्यूशन आया था हमारा 72,000 एंड द सेल्स इज देयर विच इज 1 लाख। 1 लाख होगा क्या? हाँ नहीं, बिकॉज हमने क्या किया था, हमने किया था 20% इंक्रीज से, तो आपका सेल्स क्या होगा, 1,20,000 एंड 100, देन यू विल गेट द पीवी रेशियो विच इज 60%। ऐसे सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, BES की बात करते हैं, यानी कि ब्रेक इवन सेल्स की। तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्रेक इवन सेल्स की बात की जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है विच इज 50,000 एंड द पीवी रेशियो अभी हमने निकाला 60%, सो हियर इट इज योर आंसर 83,333 समथिंग, राइट। ओके, तो ये हो गया BES। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर लेते हैं अब हम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज टोटल सेल्स माइनस BES। तो टोटल सेल्स है हमारे पास 1,20,000, उसको बेस लेकर चल रहा हूँ, यानी कि 20% इंक्रीज के बेस पर लेकर चल रहा हूँ। तो 1,20,000 माइनस जो अभी अभी BES निकाला आपने, ओके, तो आपके पास MOS आ जाता है 36,667। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से आप मॉड्यूल को लेकर ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन विच इज डिक्रीज है, अभी मैंने इंक्रीज बेस पर यानी कि 20% इंक्रीज बेस पर किया है, और आपको क्या करना है 20% डिक्रीज बेस पर। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन डाउट, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अब बात आती है वेरिएबल कॉस्ट, यस, वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, 5% इंक्रीज हुआ है। तो 5% इंक्रीज होने पर क्या हमारे सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन सेल। अगर सेल्स में कोई चेंजेस होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पे चेंजेस होते हैं तो सेल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट क्या दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट विच इज 40,000। नाउ इंक्रीज के लिए बोला है विच इज 5% से, 40,000 प्लस 5% अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, 50, तो ये आ जाता है हमारे पास 42,000, राइट, 42,000 आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो सेम अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो 1 लाख लेंगे, बिकॉज नो चेंज इज देयर ऑन सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज हो चुका है 42,000, देन यू विल गेट कंट्रीब्यूशन, ओके, 58,000, राइट। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन आ गया है हमारे पास कितना, 58,000 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स विच इज 1,00,000 × 100। ओके, आपके पास आ जाएगा 58%, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, BES। BES फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, यस, अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज देयर 50,000 एंड 58%। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86,207। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा MOS, टोटल सेल्स माइनस BES, ये माइनस कर दोगे आप, बस दैट्स इट, खत्म। सो आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा ये कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को, जो इलस्ट्रेशन है हमारा, ये आप ट्राई करेंगे। और अब बात आती है फिक्स्ड कॉस्ट, और अब बात आती है अगर फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्या सेल्स पर या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नो,
द आंसर इज नो। ओके, कुछ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। सिर्फ क्या करना है, अगर इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट से, अगर 5% इंक्रीज हो रहा है तो आपको 5% इसमें प्लस कर देना है, अगर 5% डिक्रीज हो रहा है तो आपको इसमें 5% डिक्रीज कर देना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट में इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सब उसी बेस पर आप सॉल्व कर देंगे। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट। फिर बोला गया है क्या, 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है जो कि पूछा गया है। देखिए, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या था, 1 लाख यूनिट्स थी और 1 लाख प्राइस था। इट मींस ₹1 हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अगर 10% डिक्रीज कर देते हैं हम इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.99। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब बात आती है कि 1 लाख यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो 1 लाख यूनिट की कॉस्ट होगी हमारे पास कितनी, 99,000। ओके, अब बात आती है कंट्रीब्यूशन की, कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके से निकलेगा। तो सेल्स हमारे पास अब कितनी है, 99,000 की, और वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? तो जो इफेक्ट हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, सो गाइस, पहले हमने क्या पढ़ा था कि सेल्स में, सेल्स वॉल्यूम में अगर कुछ इफेक्ट होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट भी अफेक्ट कर जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होगा, यानी कि 10% जो इंक्रीज हुआ है वो वेरिएबल कॉस्ट पर भी इफेक्ट कर जाएगा। तो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 40,000 है, और पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाए तो 0.4 आता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10% इंक्रीमेंट, अगर 10% इंक्रीमेंट करते हैं हम, तो हमारे पास 0.44 आता है, और पर और हम टोटल यूनिट्स की बात करें तो जो कि हमारे पास 1 लाख, तो आ जाएगा 44,000। तो आप माइनस कर दोगे यहाँ पर 44,000, यू विल गेट दी आंसर विच इज़ 55,000। ओके गाइस, तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, वही चलता रहेगा, बाकी कुछ नहीं जो है एज इट इज़ आपके सामने। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। देखिए, बहुत ही मिनिमम टाइम में हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे यहाँ, तो वीडियो को पूरी देखते रहिए और अच्छे समझते रहिए। डिफरेंट वेरिएशंस है, डिफरेंट लेवल्स पे आपको जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट जो अभी हमने कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब निकालने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कैपेसिटी बेस पर काम होता है, राइट, जो मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सो जैसे कि सबसे पहले एक फैक्ट्री है जो कि काम कर रही है 40% कैपेसिटी पर, ओके, 40% कैपेसिटी पर, एंड 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, कितने, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, राइट, एंड एट 50% सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। ओके, यानी कि यहाँ पर 50% का भी दे रखा है कि 50% पर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 3% से फॉल कर जाएगा। ओके, नाउ 90% कैपेसिटी, 90% भी दे रखा है, तो 90% यहाँ मेंशन कर दो। 90% पर क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5% अकम्पनीड बाय सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि यहाँ पर 5% जो है आपका सेलिंग प्राइस भी फॉल हो जाएगा और रॉ मटेरियल भी फॉल हो जाएगा। ओके, एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50% एंड 90% कैपेसिटी प्रोडक्शन। यानी कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट, कि 50% और 90% पर प्रॉफिट कितना होगा। सो हेयर आपको गिवन क्या क्या है, मटेरियल गिवन है ₹10, एम फॉर मटेरियल, एल फॉर लेबर विच इज़ ₹3, ओ फॉर ओवरहेड विच इज़ ₹5, बट हेयर 60% इज फिक्स्ड। ओके, तो बड़े ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, और आपका यहाँ सेलिंग प्राइस भी गिवन है विच इज़ 20 पर यूनिट। ओके, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, सेलिंग प्राइस यहाँ पर गिवन है, अगर 40% बेस पर काम करें हम, तो ₹20 के हिसाब से हमारे पास 10,000 का आ जाता है कितना, 2 लाख। इसी तरीके से सेम 50% पे काम करें हम,
तो 50% में बोला गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो 3% फॉल कर जाता है। अगर 3% फॉल कर जाता है तो 20, जो हमारे पास 20 पर यूनिट है, वो हो जाता है कितना, 19.4। ओके, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो भी क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। यानी कि अभी आपका 40% पे काम हो रहा था, तो 50% पे कितना होगा, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए 40% पे कितना है हमारे पास, 10,000 यूनिट्स है, तो 50% पे कितना होगा, राइट? तो ये कैलकुलेटर से आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार मैं बता देता हूँ कैलकुलेटर। 10,000 क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 50 डिवाइडेड बाई 40, देन यू विल गेट 1200, 12,500, एंड मल्टीप्लाई कर दोगे 19.4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यूनिट्स आपके पास 1200-1500, और यहाँ पर सेल्स जो है हमारी वैल्यू में देखी जाए तो 2,42,500। ओके, इसी तरीके से 90% के लिए करेंगे हम। 90% पे 5% फॉल इन प्राइस बोला गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे आप सेम उसी तरीके से, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपका 40 है तो 90 के लिए कितना। ओके, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको, 10,000 जो है मल्टीप्लाई करोगे 90 से एंड डिवाइड बाय 40 से, तो आपके पास आ जाएगा 22,500, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 19, देन यू विल गेट 427,500। ओके, तो ये आपके पास आ गया सेल्स, राइट? अब बात आती है, देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो इसे हम अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस करते हो आप उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, देन यू विल गेट दी कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में अगर फिर माइनस करते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट, देन यू विल फाइंड दी प्रॉफिट। ओके, यहाँ तक हमें पहुँचना है, राइट? तो इसके बेस पर ही हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, ओके, एंड हमें ये सॉल्व करना है। सो टर्न टू द नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास क्या क्या, देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, यहाँ पर कुछ कॉस्ट दी गई है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ओके, तो यहाँ से आप वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी वेरी ओवरहेड जो है हमारे पास फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। ओके, तो मटेरियल जो है वो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 यूनिट्स जो है हमारा, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी मटेरियल की, 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पर हमारा 12,500 हमारे पास यूनिट्स है, और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1,25,000। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा हमारे पास, आपके पास आंसर आ जाएगा इतना। हाँ देखिए, 90% पे बोला गया है क्या, अगर 90% पे 5% तो कम हो रहा था किस पर, सेल पर, एज वेल एज रॉ मटेरियल पर भी कम हो रहा था, यानी कि 10 रुपीज़ जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, अगर इसमें 5% कम हो जाता है तो आपके पास आता है 9.5, तो यानी कि 9.5 मल्टीप्लाई 22,500 यूनिट्स, देन यू विल गेट 213,750। ओके, नाउ लेबर की बात की जाए तो लेबर में नो चेंजेस हैं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 30,000 आ जाएगा, देन 3 मल्टीप्लाई 12,500 एंड 3 मल्टीप्लाई 22,500, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ ओवरहेड की बात की जाए तो यहाँ पर 60% फिक्स्ड है, फिक्स्ड को अलग लेकर चलोगे। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, बट यहाँ पर जो वेरिएबल है रिमेनिंग पोर्शन विच इज 40%, 40% ऑफ 5 जो कि होता है हमारा कितना, 40% ऑफ 5 होता है हमारे पास 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12,500, एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22,500, एंड अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है एंड कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? एंड फिक्स्ड कॉस्ट की बात की जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही है नेचर, जो कि वेरिएबल ओवरहेड का है, सॉरी फिक्स्ड है, फिक्स्ड कितना है हमारा 60%, विच इज 3 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या अब हम यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है 3 रुपीज़ है, 10,000 यूनिट्स हैं, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी में, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 12,500
हंड्रेड 500 या मल्टीप्लाई करेंगे 22,500। दिस इज रॉन्ग। ओके, फिक्स्ड आपका पहले ही कैपेसिटी पर जो फिक्स्ड है वो सेम थिंग यहाँ पर, यानी कि 30,000 हर किसी में फिक्स्ड लिया जाएगा। ओके, अगर स्पेसिफिक मेंशन है क्वेश्चन में कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इतने से इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तभी कुछ वेरिएशंस आएंगे यहाँ पर। अदरवाइज जो एक बार किसी कैपेसिटी पर आपको एक बार जो फिक्स्ड हो गई है कैपेसिटी पर, तो आपको वही सेम अमाउंट जो है हर किसी के लिए लेना होगा। ओके गाइज, सो कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे देन विल गेट द प्रॉफिट, दैट्स इट, सो सिंपल इज दैट। ओके, नाउ द लास्ट इज ब्रेक इवन सेल्स पूछा गया है, तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल्स के लिए क्या होता है, और अभी हमने जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है उस तरीके से आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर लास्ट वीडियो देखकर भी जो फॉर्मूले हैं वो आप लर्न कर सकते हो। अगर कुछ नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी अदरवाइज इस क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है, राइट? तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैं अलग से क्लास, आगे जो आने वाली क्लास है उसमें नेक्स्ट जो बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की, तो मैं उस तो वो जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं करवाऊंगा। सो गाइस, तब तक के लिए आप इसको आप अपनी मॉड्यूल से अदर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिना कुछ ये सोचे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ओके, कॉन्सेप्चुअल बेस पर होगा हर एक चीज़, मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर करवा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट पे कैसे अफेक्ट कर जाता है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैसे अफेक्ट कर जाता है। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, यही सारी बातें जो हैं आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ओके, बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन लेना बंद कर दो आपकी एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि पास्ट ईयर जैसे हमारे क्वेश्चंस आते थे सेम उसी तरीके से पूछे जाएंगे। ओके, तो फिर इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें आता है सब कुछ, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और भी क्वालिटी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।